अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं आपका मेजबान मोहम्मद अरबाज आसिफ पे बात में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आइए देखते हैं आज की अहम खबर। अभी तक आपने हमारे चैनल आसिफ पे बात न्यूज को यूट्यूब पे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, हल्के या नामपली में आज एक जंग का मैदान नजर आया। कुछ देर के लिए पब्लिक ये समझी कि कहीं ये इसराइल और इराक की जंग तो नहीं हो रही है, कहीं मिसाइलें तो नहीं गिर रहे। मिसाइलें तो नहीं गिरे पर पुलिस के डंडे छिनकर एक दूसरे पे हमला किया सोए। कांग्रेस के एक लीडर जो फिरोज खान हैं, इनको विजयनगर कॉलोनी से कोई वहाँ की आवाम फ़ोन करती और बताती कि यहाँ पे कुछ रोड का काम चला था जो बंद कर दिया गया, तो फिरोज खान को पता चलते फिरोज खान ने वहाँ पर गए और वहाँ का दौरा करें। इसके बाद बीजेपी की बी टीम और नरसिंह आनंद के छोटे भाई, ये दोनों वहाँ पे दाखिल हुए अपने सारे गुंडों को लेकर। अचानक आते हुए फिरोज खान के ऊपर हमला किया गया और आप बता नहीं सकते, हम वो आवाज़ सुना नहीं सकते जो एक से गंदे गंदे गालियाँ, जो एक शराबी एक गंजटी वो भी गाली देने से पहले सोचता, इतने गंदे गंदे गालियाँ। ये जो नरसिंह आनंद का छोटा भाई जो है वो हमेशा देखो उसको, इसके मुंह में इतनी गंदी गंदी गाली होती है और मुरीदा वाह वाह करते हैं। अगर ये कोई अगर दूसरा आदमी का गाली देना, इस्लाम में ये नहीं है, इस्लाम में वो नहीं है, फलाना नहीं है, बोलते हैं। अरे बाबा, जब आज हिंदुस्तान के इतनी हालात ख़राब है, आज मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, जब तुम इलेक्शन में जब बड़े बड़े बातें करते हैं, वादे करते हैं, खसमा खाते हैं, कौम और मिल्लत के नाम पे तुम वोट मांगते हैं, अल्लाह रसूल के नाम पे तुम वोट मांगते हैं, जब ये कौम पे जब जुल्म होता है, ये कौम के बेटे पे जब जुल्म होता है और जो ये अल्लाह रसूल पे जब इनकी शान में गुस्ताखी करती है, तुम कहाँ चले आते बाबा? और तुम्हारे सदर को बीजेपी आरएसएस एक दुलपेट का पाकिट गंजटी राजा सिंह तुमको जब तुम्हारे सदर को जब गालियाँ देता है, पान खा के घुस जाता बोलता है, तो जब तो तुम खामों बढ़ाते बाबा, तुम जाके बिला में घुस जाते हैं, पता नहीं कि किस किस के मीडिया में जाके तुम छुप जाते हैं। जब मुसलमान कुछ बोलता है तो उसके घर पे हमला करते हैं, गुंडा राज करते, तुम पुलिस में केस बुक कराते हैं, जेल को भेजते हैं, मर्डर कराते हैं। तुम मुसलमान कुछ बोल दिया तो जब तुम्हारे सदर के आज का जो वाकया है, हमारे को फोन आता है, कंप्लेंट आता है, जो कंप्लेंट हमारे कंटिन्यूस आते रहते। आपको मालूम है कि 24 घंटे हम आवाम के बीच में रहते और पूरी ज़िंदगी अल्लाह की राह में काम करते थे। आज एक कंप्लेंट आता विजयनगर कॉलोनी ताजनगर फिरोजगानी नगर से ऑपोजिट आसिफ नगर पुलिस स्टेशन कि फजर की नमाज के टाइम पर हमीद बोल के एक शख्स गिर गए, रोड कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, क्वालिटी ऑफ वर्क नहीं है और ये कभी भी पूरे नामपली को खोद के डाल दिए। बच्चों का प्रॉब्लम हो रहा, गाड़ियाँ रखने को प्रॉब्लम हो रहा, भूरियाँ भर जा रहे, नाले भर जा रहे। तो ये कंप्लेंट जो हमारे दिए, हम उनसे मिलने को गए और उत्ते में माजिद हुसैन प्लस रउडी शीटर हिस्ट्री शीटर पूरे लंगे बदमाशा चोरा दो कौड़ी के छिंदी चोरा आ गए। आप लोग आकर हमारे को अटैक करना स्टार्ट करे, बात काम पर चले गई बोले तो पुलिस वालों के डंडे ले लेके हमारे को अटैक कर रहे हैं। तो मैं आज आपको बता दूं और सामने एमआईएम पार्टी को ये बात बोल दूं कि ये फिरोज खान पे अटैक नहीं है, ये कांग्रेस पार्टी पे अटैक है। फिरोज खान चाहे तो अटैक कर सकता था पर गांधी परिवार, गांधी के सिद्धांत, कांग्रेस के नॉन वायलेंस, ये तमाम चीजें मेरे दिमाग में डाले। फिरोज खान हक के लिए फाइट कर रहे हैं, आप हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, आप थोड़ा सबर करिए, सबर में इंशाल्लाह आपकी जीत है। आप हमारे को तोहमत लगाते कि हम वसूली के लिए आए। फिरोज खान की 25 साल की सियासी जिंदगी में आज तक फिरोज खान लूटना सीखा, लूटना नहीं सीखा, बनाना सीखा, तोड़ना नहीं सीखा। आज तक एक मामूल एक रुपया पूरे हिंदुस्तान में सारी पूरी दुनिया में आज तक कोई एक रुपया फिरोज खान को दिया नहीं, ना आज तक फिरोज खान करप्शन करा,
बीआरएस रहो, बीजेपी रहो, कोई भी पॉलिटिकल जमात रहो, एमआईएम रहो, हर किसी को हैंड टू हैंड ले लिया, कई कई के लिए लिया। आवाम का काम करता, गरीब की आवाज फिरोज खान बनता, सबको इंसाफ दिलाता। और आज आप तोहमत लगा रहे हमारे और हमारे कैडर के ऊपर कि हम मामूल वसूल कर रहे। अगर से ऐसा कोई प्रूफ है, जाइए आप पुलिस स्टेशन को, एक्सट्रैक्शन का केस बुक कराइए, जाइए आप पुलिस स्टेशन को, थ्रेटनिंग का केस बुक कराइए, एक फोटो डालिए आप हमारी जहां पर हम पैसा पूछे। आपकी नाकामी को छुपाने आप पूरी नामपली को खोल दिए। इलेक्शन से पहले आप बोकस करते और हराम की खयादत आप करते, और इलेक्शन के बाद आप गुंडागर्दी करते। आपके अतराब जितने भी है पूरा रौडिया, और आप एक एमएलए हैं, आप 2 करोड़ के छिंदी चोर गली का एक चूहा तंता देखो मुंगूस बन के भाई साहब थंड रहे थे तुम, और मैं क्या कर रहा था, मुस्कुरा के देख रहा था। है तू एमएलए है, 2 करोड़ का छिंदी चोर है, और मैं आवाम को बोल रहा, अगर से एक भी प्रूफ एमआईएम पार्टी या माजिद हुसैन देती फिरोज खान के ऊपर कि हम मामूल या पैसा पूछते या हम करप्शन करते, सारी जिंदगी के लिए राजनीति से और सियासत से रिजाइन कर दूंगा, इस्तीफा दे दूंगा। तो रही बात, बराबर कंप्लेंट तो हम देंगे, और जितने भी वो लंगे थे बाजू बराबर उनके ऊपर केस बुकूंगा, और कई लंगे थे उसमें जिसके रउडी शिटरा खुलना है बराबर रउडी शिटरा खुलेंगे बराबर। अभी मेरी बातचीत हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट से हुई, महेश कुमार गौड़ से, हमारे दीपा दास।